जितना हरा हरा दिखता है, हाँ हाँ, तो केमिकल में हरा नहीं दिखता। हाँ, मैंने जो पत्ती जितनी तो हरी दिख रही है, जो अपने शाइनिंग आती है रेड वाली, हाँ हाँ, वो भी नहीं है। चाहिए। अभी मैंने पहली बार देखा कि सोयल चार्जर में ऑर्गेनिक में कितना प्रोडक्शन मिल रहा है। हाँ हाँ, तो सब फार्मर को करना ही चाहिए, एक बार तो ट्रायल करना ही चाहिए। ये पौधे पे तो बहुत दिक्कत है, पर कम से कम ये पौधे पे 50 से 70 के आजू बाजू है, 70 के आजू बाजू है, 12 से 15 किलो के अप्रोक्स होगा, अप्रोक्स है। सबको यही भलामन करेंगे, एक बार तो सोयल चार्जर अपना ही है सब। हाँ, ओके, टेक्नोलॉजी का स्वयं जाते ही अपना के देखो कैसा आता है कैसा नहीं। मुझे भी ऐसा आया था, और यहाँ सब गांव वाले को ऐसा था, ऑर्गेनिक का रिजल्ट लेट ही आता, लेट आता है, कुछ मजा नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए सब लोग डर रहे लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, मैंने तो सब के सब सब बगीचे माने की तरह, मेरा भी ऐसा ही है चला, सबका जो ऐसा चलता था वैसा ही मेरा चला, हुआ कुछ, आपका? कुछ नहीं हुआ। देखो ये दाना वगैरह हम देखेंगे तो साइज वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छी मिली, और कलर वगैरह देखेंगे वो भी बहुत बढ़िया है, क्या कहोगे इसके बारे में? सर ये जो खाने में जो वो बोलते हैं ना कि एक नंबर क्वालिटी है। उनके लिए तो भलामण ही देगे कि ये हमारे लिए तो वरदान है, तो ऐसा ही बोलेगा सब। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपका नाम और पता बोलिए ना। मेरा नाम परसोत्तम भाई जगमल भाई है, और पाटली तालुका का मालनपुर गांव का मैं एक किसान हूँ। ओके ओके सर, आपका भी नाम बोल दीजिए। पटेल कृष्णकांत घनश्याम भाई। ओके, विरंगाम के रहने वाला हूँ। ओके ठीक है सर, ये अभी आपके पौधे बगीचा है कि कितने एकड़ में है अभी ये? मेरे पौधे आज 4 एकड़ 5 एकड़ में पौधे है, और 1600 पौधे लगे। 1600 पौधे आपके लगे, सही है सर। मैं अभी एक 5-6 दिन से घूम रहा हूँ गुजरात में, तो आज आई ना आगे, तो 5-6 दिन से मुझे एक बात अभी दिखाई दे रही है, मैंने जिस बगीचे पे माल है ना, उन बगीचे की पत्ती जो है पीली पड़ रही है। हमारे पत्ती का कोई प्रॉब्लम नहीं, पत्ती यहाँ पर ग्रीन ग्रीन है, यहाँ पर पत्ती हम देखेंगे हरिया पत्ती है, और साइज वगैरह हम देखेंगे उसकी तो बड़ी है, सही है ना? हाँ। तो आप बोल रहे थे कि आपका जितना ये रहेगा मैंने पत्ती अच्छा रहेगा, उतना क्या रहेगा प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, सही है ना? मैंने आपका जितना प्रोडक्शन अच्छा है, मैंने आप जितना पत्ती अच्छा रहोगे, मैंने जितना आपका फैक्ट्री अच्छा है उतना आपका गोडाउन भरने वाला, सही है ना? ये बात है सही है। अभी सर ये फल है, एक पौधे पे कितने है अभी? ये पौधे पे तो बहुत दिक्कत है, पर कम से कम ये पौधे पे 50 से 70 के आजू बाजू है, 70 के आजू बाजू है, 12 से 15 किलो के अप्रोक्स होगा, अप्रोक्स है। अभी कितने साल का पौधा ये? ये 3 साल का हुआ अभी, 3 साल का हुआ ना, 3 साल का हुआ अभी। मैं सबको माल दिखाता हूँ, आपका माल दिखाई दे रहा है सभी पौधे में, सही है? अभी ऐसा कुछ नहीं कि एक ही जगह पर हम दिखाई दे रहे हैं माल, ऐसा सभी जगह पर सेम है ना सर? सब बगीचे में सेम है, देख लीजिए, नहीं तो एक ही जगह पर दिखाई रहे ऐसा कुछ। अभी इतना सीटिंग है हमारे पास, तो सर आपने ऐसा क्या किया है कि बाकी आजू बाजू में भी आपके बगीचे है और इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है? मैंने तो कुछ किया नहीं, टेक्नोलॉजी आपकी ये कचोर चार्जर वाले की ये आपको ही पता होगा ना इसमें क्या बढ़िया है। नहीं आपने अभी देखो नए ये फसल ही नई है ना हमारे लिए तो। ओके नहीं अभी बोलो कि आपके एरिया में जो बगीचे हैं उनका क्या कंडीशन है? हालत खराब है अभी। क्या खराब है? सब निकालने लगे। हाँ क्या कंडीशन है यहाँ पर? वो तो पहले तो अपना क्या बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ज्यादा आ गई। ओके यहाँ पर बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रॉब्लम है सर, आपके यहाँ पर इस पौधे में बैक्टीरियल ब्लाइट तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं, बिल्कुल नहीं। सही बात पहली हो गया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? प्रोडक्शन नहीं है इतना, प्रोडक्शन नहीं है तो यहाँ पर तो प्रोडक्शन का कोई ये नहीं है, प्रोडक्शन तो दिखाई दे रहा है, सही है। उसके बाद जो जितना हरा हरा दिखता है, हाँ हाँ, तो केमिकल में हरा नहीं दिखता। हाँ मैंने जो पत्ती जितनी हरी दिख रही है, जो अपने शाइनिंग आती है रेड वाली, हाँ हाँ हाँ, वो भी नहीं है। और अंदर से भी हम देखेंगे तो अंदर से भी हमारा फल जो है दाना बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, रस वाले है, रस वाले, सही है ना? हमने अभी देखा, सही है। तो ये देखेंगे हम तो इसका क्वालिटी वगैरह देखेंगे, और ये देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, सही है ना? तो फूक का प्रॉब्लम कुछ हुआ था क्या आपको?
भूख का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, वो टपकी वाला एक बार प्रॉब्लम हुआ था, वो टपकी भूख का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं। अभी आपने क्या क्या यूज किया है थोड़ा सा बोलो ना। सोयर चार्जर का सब कुछ, वो फ्रूट चार्जर, सोयर चार्जर, क्रॉप चार्जर, साइड चार्जर, साइन चार्जर, रूट चार्जर, न्यूट्रल चार्जर, 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 बूस्टर, बूस्टर चार्जर, एनर्जी बूस्टर, एनर्जी बूस्टर अभी नहीं किया है। नहीं, 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 वो नहीं मिला अभी। हाँ, से आइटम लगा दिए सभी आपने लगा दिया, सही है ना। तो आपका माल वगैरह जो है कैसा लग रहा है आपको, शाइनिंग वगैरह बोल देखेंगे हम। ये जो अभी साइज कितना है इसका? साइज होगा सर 150 ग्राम। अभी 150 ग्राम है ना, 150 ग्राम। कुछ पौधे का फल का ज्यादा भी होगा, लेकिन एक जनरली पकड़ने के तो 150 ग्राम तक हमारा साइज। 100 ग्राम से तो ज्यादा ही निकलने वाले, ज्यादा सही है ना, ऐसा लगता है। सही है ना। ओके, तो सेटिंग जो है सर, जनरली आपकी सेटिंग कहाँ पर होती है मालूम है? ऐसा जो लटकन रहता है ना, बहुत बढ़िया वही होता है। और ये आपकी सेटिंग कहाँ पर है देखो, जो मेन स्टेम है ना, मेन काड़ी जो है ना, उसको सेटिंग है सभी। सर ये बात है कि आपकी जो सेटिंग होती है ना सभी, वो अंदर की काड़ी में होती है। ये देखो जो लटकन रहता है, उसके साइज भी नहीं रहती, साइज भी नहीं होगी, और उसका कलर शाइनिंग या क्या होगा, होगा नहीं। लेकिन इसका क्या हो रहा है, साइज और कलर वगैरह मिल रहा है, तो इसकी वजह से हमें भी ये हो रहा है। सही है। ओके, तो क्या कहोगे सर आप बाकी जो किसान है उनके लिए? सबको यही भलामन करेंगे, एक बार तो सोयल चार्जर अपना ही है सब। हाँ ओके, टेक्नोलॉजी का स्वयं जाते ही अपना के देखो कैसा आता है कैसा नहीं आता है। ओके ओके ओके, जमीन बचाने के लिए जरूरी है, ऐसा मैं समझाऊंगा सब लोग। सही है, सही है था कि ऑर्गेनिक बोले तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता यहाँ पर। तो सर आपको क्या लगता है, आप तो घूमते हो या ये की एरिया में, तो करना ही चाहिए। अभी मैंने पहली बार देखा कि सोयल चार्जर में ऑर्गेनिक में कितना प्रोडक्शन मिल रहा है। हाँ, सब फार्मर को करना ही चाहिए, एक बार तो ट्रायल करना ही चाहिए। सही है सर। एक और एक सवाल उसमें आता है कि ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन लेट आता है, मैंने इस साल लिया तो अगले साल उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा आपको मैंने जनरली ऑर्गेनिक के बारे में ऐसा होता है, लेकिन आपको ऐसा कुछ लगा क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा आया था, और यहाँ सब गांव वाले को ऐसा था, ऑर्गेनिक का रिजल्ट लेट ही आता, लेट आता है, कुछ मजा नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए सब लोग डर रहे थे। लेकिन आपको आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, मैंने तो सबके सब सब बगीचे मैंने की तरह, मेरा भी ऐसा ही है चला, सबका जो ऐसा चलता था वैसा ही मेरा चला। और लेट नहीं हुआ कुछ आपका? कुछ नहीं हुआ, मैंने जैसे की जैसे सबके साथ इनका रिजल्ट हुआ। सही है, तो उसका कोई टेंशन नहीं रहता की आपका जो रिजल्ट है वो लेट आने वाला, ऐसा कुछ टेंशन की बात ही नहीं है, रिजल्ट तो सबके साथ आता है, सबके साथ आता है। सही है, तो सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी है वो कभी भी लेट नहीं है, सब उसके साथ ही, मैंने उसका रिजल्ट लेट नहीं आता है। सही है, ये सब प्राकृतिक बनाया हुआ है। सही है ना, तो नेचुरल खेती हम करेंगे तो आपको उसमें मजा तो आने वाला है। सही है, ये माल देखेंगे हम, देखो सही है ना। अभी हम ऊपर से देखते तो आपको, आप देखेंगे तो सर, दूर से देखते तो बगीचे में माल नहीं लगता है, हम पीछे के पौधे देखेंगे तो उसमें कुछ माल नहीं है या नहीं है पता नहीं चलता, तो लगता ही नहीं माल, लगता ही नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे ही कहते हैं माल कम नहीं है। लेकिन हमारा सब माल जो है अंदर है, हुआ है। सही है ना, माल ढका हुआ है, और उसका प्रोडक्शन ये भी हमें अच्छा मिलने वाला है। सही है, तो अभी जो खर्चे के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो खर्चा कितना हो रहा है आपको? खर्चा तो सोयल चार्जर का, एक सोयल चार्जर और पाए के खातर का एक लाख और 82,000 हुए, 2,00,000 माने 2,00,000 रुपए होगा। कितने पौधे में? 5 एकड़ में 1,600 पौधे में। सही है, और बाकी केमिकल में कितना आता आपको? बाकी केमिकल तो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन आपको कितना आता? मेरे हिसाब से 1,800 में भी एक फार्मर है। हाँ, मेरे पहचान में तो 3,00,000 का फॉलियर किया हुआ है, फॉलियर स्प्रे किया है, जमीन का तो अलग, मैंने यहाँ 2,00,000 में पूरा फॉलियर और जमीन का दोनों भी। एक माह अगले से पैसा मैंने गिना। हाँ, एक 6 महीने वो 7 महीने का मैंने गिना। हाँ, 7 महीने का मैंने इसमें गिन लिया, पूरे 7 महीने का रेस से जो काम कर रहे हैं ना, उसका शेड्यूल 2,00,000 का है, 1,600 पौधे का, और उनका कितना है? 3,00,000 रुपए सिर्फ फॉलियर स्प्रे का। तो भी इतना शाइनिंग और साइज नहीं है, मैंने 4 दिन पहले ही देखा हुआ है। सही है ना, सही है ये बात है। तो किसानों, आपके जो एरिया में जो किसान है बाकी लोग, उनके लिए क्या कहोगे आप? उनके लिए तो भलामण ही देंगे कि ये हमारे लिए तो वरदान है सोयल। हाँ, ऐसा ही बोलेंगे सब किसानों को। हाँ, वरदान ही है हमारे लिए, किसान के लिए ये सोयल चार्जर वरदान ही है। सही है ना, कहीं नहीं मिलेगी। ओके सर, आपका क्या कहना रहेगा? बहुत बढ़िया है सोयल चार्जर टेक्नोलॉजी। ओके ओके, मैंने आपने पहली बार ये बगीचा देखा है? पहली बार ही देखा, मैंने आपको करना था तो आपको आपके एरिया में रिजल्ट देखना था। सही है ना, मैं भी एक साल से मनोज भाई से बात करता था लेकिन देखा नहीं था।
सॉइल टेक्नोलॉजी चार्जर, सॉइल टेक्नोलॉजी चार्जर, सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी कौन सा कैसा रिजल्ट है वो? पहली बार देखा, अभी देखेंगे सर आपको जो फल है वो दिखाइए ना। अभी देखो ये दाना वगैरह हम देखेंगे तो साइज वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छी मिली, और कलर वगैरह देखेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया है। क्या कहोगे इसके बारे में? ओ सर, ये जो खाने में जो वो बोलते हैं ना कि एक नंबर क्वालिटी है, जो ये सोइल चार्जर से मिली है तो बहुत तो न्यूट्रिशन वैल्यू वाली क्वालिटी। सही है, सही है। इसके हिसाब से जो भी होगा वो बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड मिलेगा। सही है। और तो टेस्ट में कैसा लग रहा है आपको? टेस्ट में तो बहुत बढ़िया है सर। आपने भी खाया, कैसा लगा? बढ़िया है ना। ओके सर, आपको किसानों को कोई कांटेक्ट वगैरह करना होगा तो आप नंबर दे सकते हो आपका? ना, मेरा नंबर देता हूँ, बोलो ना। 94 72 25 800। ओके सर, आप यहाँ पे मार्गदर्शन करते हो, माने इस सौराष्ट्र में आप ये करते हो, काम करते हो, तो कहाँ पे भी फार्मर को आपको संपर्क करना होगा तो आपका भी नंबर दे दीजिए। 9687604510। ओके मनोज, ओके थैंक यू सर।